नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बिहार बोर्ड दसवीं की परीक्षा में शुक्रवार को सोशल साइंस की परीक्षा थी, लेकिन इस दौरान पेपर लीक होने की वजह से अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, सोशल साइंस की पहली पाली में हो रही परीक्षा के ठीक पहले प्रशासन को पेपर लीक होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में प्रशासन ने जमुई के 3 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों बैंक कर्मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ हैं। अब ये परीक्षा 8 मार्च को दोबारा आयोजित कराई जाएगी। ये पेपर लीक का मामला भी जमुई जिले का है। बिहार बोर्ड के मुताबिक पहले सिटिंग परीक्षा में कुल 8,46,000 छात्र उपस्थित हुए थे। सोशल साइंस के पेपर के लिए दोबारा परीक्षा 8 मार्च को होगी। बिहार बोर्ड ने शुक्रवार देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि SBI की झाझा शाखा के एक संविदा कर्मचारी की तरफ से व्हाट्सएप के जरिए सोशल साइंस की परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। झाझा शाखा के विकास कुमार और SBI के 2 अन्य कर्मचारियों सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान पाया गया है कि विकास कुमार ने अपने एक रिश्तेदार को व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र भेजा था, जो परीक्षा में आने वाला था। जिसे प्रश्न पत्र भेजा गया था वो भी परीक्षा में उपस्थित हुआ था। बिहार बोर्ड ने जमुई के जिला अधिकारी और SP से भी मामले की जांच करने को कहा है। उनके संयुक्त जांच और रिपोर्ट बोर्ड को सौंपे जाने के बाद बिहार बोर्ड ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें, जमुई पुलिस ने शुक्रवार शाम 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में सफाई कर्मचारी खैरमा के रहने वाला विकास कुमार दास और बैंक के कैशियर शशिकांत चौधरी और अजीत कुमार शामिल है। सुरक्षा कर्मियों ने बैंक में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों से भी घंटों तक पूछताछ की है। आपको बता दें, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर का कहना है कि मामले में पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने वाली सख्त कानूनी कार्रवाई, किसी भी सरकारी अधिकारी या कागज लीक मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।